नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार। मेरे शख्स की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उत्तराखंड के धाराचुल्ला में भारत नेपाल को जोड़ने वाला इंटरनेशनल पुल यहां पे भारतीय व्यापारियों के विद्रोह की वजह से नहीं खुल पाया। तो क्या है पूरी खबर जानेंगे तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि 7-8 महीनों से यहां पे जो ये सीमाएं हैं भारत नेपाल की वो खुल नहीं रही, उसी के चलते हुए यहां पे पिछले ही दिनों में लोगों ने विद्रोह कर दिया था, और इसके अलावा अभी कल यहां पे व्यापारियों ने भी विद्रोह जताया है। शुक्रवार शाम 4 बजे 1 घंटे के लिए पुल खुलना था, दोनों देशों के अधिकारियों ने तय किया था, लेकिन भारतीय व्यापारियों ने इसका विरोध जताया है। तो सीमा सुरक्षा बल के इंटरेक्शन कश्मीर सिंह ने बताया कि दोनों देशों के 13 नवंबर को पुल खोलने पर सहमति जताई गई थी। 1 घंटे के लिए पुल खुलना था, नेपाल के कई मरीजों को भारत आना था, इसी तरह से भारत के कई लोगों को घरेलू इमरजेंसी कार्यों की वजह से यहां पे नेपाल जाना था, लेकिन भारतीय व्यापारियों ने विद्रोह जताया जिस वजह से पुल नहीं खुल पाया। वजह यह रही दोस्तों कि लॉकडाउन से पहले भारत नेपाल के बीच इस पुल के जरिए आवाजाही होती थी, लेकिन लॉकडाउन शुरू होने के बाद साथ ही पुल बंद कर दिया गया, तभी किसी इमरजेंसी के बीच में इसे हफ्ते-दो हफ्ते में एक-एक दो-दो घंटों के लिए खोला जाता था। शुक्रवार को भी पुल खुलना था, लेकिन भारतीय व्यापारियों ने अपनी मांग का पक्ष रखा, आवाज बुलंद की और पुल खोलने नहीं दिया। व्यापारियों की मांग थी कि पुल नियमित तौर पर खोला जाना चाहिए, यानी कि रेगुलर पुल खुला रहना चाहिए। दरअसल बॉर्डर पे लोगों की रोजी रोटी का बड़ा जरिया व्यवसाय है, और इंटरेक्शन पुल के आसपास के जो लोग हैं भारतीय और नेपाली, उनके करीब 600-400 छोटी मोटी दुकानें हैं, ये पूरी तरह से नेपाल ग्राहकों पर निर्भर करती है। इसी तरह नेपाल की जो कि दुकानें हैं वो भारतीय ग्राहकों पर भी निर्भर करती है। और इसके अलावा दोस्तों, जो व्यापारी लोग हैं वो अपनी जो दुकानें चलाते हैं उसमें उधारी जो पड़ी हुई है भारत की नेपाल में या नेपाल की भारत में, यहाँ पे व्यापारियों को उसमें भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि लोग वहाँ पे जा सकते नहीं है, तो लोगों से वो उधारी नहीं ला सकते, तो यहाँ पे व्यापारी लोग बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहे हैं, और व्यापारी लोगों को रोजाना जाना पड़ता है, तो रोजाना अब नहीं जा सकते तो वो अपनी उधारी को नहीं ला सकते, तो इसके कारण उनका बिजनेस घाटे में आ गया है। इसीलिए यहाँ पे ये प्रदर्शन जताया गया था, और जो कि शुक्रवार 4 घंटे के लिए धाराचूला के नजदीक इंटरेक्शन पुल खुलना था वो नहीं खुल पाया, और व्यापारियों की मांग को पूरी करने के लिए उन्होंने आवाज उठाई है। तो दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या रहता है इसका नतीजा। ऐसा लग रहा है कि लोग विद्रोह कर रहे हैं, तो सरकार को मानना पड़ेगा लोगों की बात को, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं दोस्तों। तो ये थी न्यूज दोस्तों, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।